दोस्तों आज का टॉपिक है कि आरओ वाटर फिल्टर को जब हम पानी की सप्लाई देते हैं तो उसके कौन कौन से तरीके हैं कनेक्शन करने के। अगर आप रिपेयरर हो या आरओ डीलर हो तो अपना नंबर जरूर व्हाट्सअप करें और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम हर बात इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आरओ की शेयर कर सकें। थैंक यू। दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप बताएँगे आपको कि जब आरओ सिस्टम को हम इंस्टॉल करते हैं तो आरओ सिस्टम को पानी की सप्लाई देने के लिए कैसे फिटिंग करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसके लिए स्पेयर पार्ट चाहिए, एक हमें निप्पल चाहिए और दूसरी हमें 1/4 की जो है चिड़ी भी इसे कहते हैं और इसे लीवर टाइप कंट्रोलर भी कहते हैं, फ्लो कंट्रोलर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हमने सबसे पहले टेफ्लॉन टेप लगानी है। इसके लिए टेफ्लॉन टेप लगाकर ये हमारी पानी की मेन सप्लाई आ रही है, यहाँ हमने बंद की हुई है सप्लाई। तो अभी इसको हम सबसे पहले निप्पल को इससे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं, लगाइए निप्पल, इसको हम निप्पल कहते हैं। यहाँ आपकी टूटी लगी होती है, टूटी को आपने खोल लेना है और खोलने के बाद इसके आगे पानी की अगर आप चाहते हो कि टूटी को देना है तो आप यहाँ टूटी लगा सकते हो, जिसको हम टेप भी कहते हैं। ऐसे घुमाइए थोड़ा सा, बस 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 बहुत है। तो ये भी लगा सकते हैं, खोल दीजिए इसको। और अगर आप पानी की सप्लाई आगे नहीं देना चाहते तो यहाँ आप स्टॉपर लगा दीजिए, ये इसको भी आपने धागा लगाकर ही टाइट करना है ताकि हमारी जो है आगे लीकेज ना हो। तो अब ये हमारी सप्लाई के साथ जो मेन सप्लाई पानी की आ रही है उसके साथ हमारी निप्पल अटैच होगी। अब इसके साथ हम पानी को जो कंट्रोलर है पाइप अटैच करेंगे, जिसके साथ वो अटैच करते हैं। अब इसकी आउटपुट पे जो हमने 1/4 इंच साइज़ की जो पाइप है इसको अटैच करना है। दोस्तों अब हमने जो इसका लीवर निप्पल के साथ फिट कर दिया है, इसको बंद कैसे करना है, पानी की सप्लाई को और ऑन कैसे करना है वो दिखाएंगे। जब हमारी ये लीवर की पोजीशन सेंटर की तरफ होगी तो पानी की सप्लाई कंटिन्यू रहेगी और जैसे ही हम इसको लीवर को साइड पे करेंगे तो पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी। और इसके साथ पाइप कैसे अटैच करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने जो है इसका रिंग नट खोलना है, खोलिए भी ले सकते हैं खोलने के लिए। तो चढ़ाइए पाइप, आराम से पाइप इसके ऊपर चढ़ाने के बाद अब जो इसका नट है कह सकते हैं नट, इसको टाइट करना है अच्छी तरह से और ये हमारा काम हो गया, इतना काम है। अब दोस्तों इस पोजीशन पे हमारा पानी की सप्लाई बंद है और जैसे इसको हम ऑन करेंगे सेंटर की तरफ करेंगे तो हमारी पानी की सप्लाई जो है पाइप के थ्रू जो 1/4 इंच साइज़ का है और इसकी पाइप की सप्लाई जो है आरओ को मिल जाएगी। ये था 1/4 इंच के लिए। अगर हमने 3/8 इंच के लिए करना हो पानी की सप्लाई देनी हो तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस चिड़ी को जो है लीवर को निकाल कर पूरे और हमने 3/8 साइज़ का लगा देना है। लगा कर दिखाते हैं आपको हैं पाइप और साथ में फिटिंग। और जहां हमारा डोमेस्टिक हो, घर के लिए हो या फिर प्रेशर और फ्लो इंक्रीज़ करना हो पानी का, तब हम 3/8 को यूज़ करते हैं, लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। और टाइट कीजिए, यह है हमारा 3/8 इंच साइज़ का लीवर। अब इस पर हम बड़ी पाइप जिसका साइज शेप है 3/8 साइज़ की वो चढ़ाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम नट खोलेंगे, खोलिए, और उसके बाद हम पाइप को इस पर चढ़ाएंगे। क्योंकि सर्दियों का मौसम है और थोड़ा टाइट हो जाती है पाइप जो 3/8 साइज़ की होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं पाइप के अंदर बड़े साइज़ के पेचकस को इंसर्ट करते हैं ताकि इसका जो साइज़ है अंदर से इंटरनल सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ जाए और जो आराम से पाइप इस पर चढ़ जाए। पाइप चढ़ना रही हो तो आप इसके अंदर जो है पेचकस की मदद लें और पेचकस से इसका जो है थोड़ा इसको लूज़ कर दें और उसके बाद इसको टाइट करते जाएं। और ये आपका पाइप अब रेडी हो गया। ये थी दोस्तों सेकंड टाइप फिटिंग है हमारी एंगल वाल्व के साथ। ये
बहुत बेहतरीन लगती है देखने में भी। और इसका जो ख़ास बात यह है कि जो लीवर होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये कभी ख़राब नहीं होता है और इजी टू इंस्टॉल है। तो इसके साथ हम आरओ वाटर फिल्टर की कैसे सप्लाई वाटर सप्लाई अटैच करते हैं वो दिखाते हैं आपको। तो उसके लिए हमें दो तरह के रिड्यूसर जो है यूज़ करने पड़ते हैं। अगर 1/4 की सप्लाई आपने देनी हो तो 1/4 साइज़ का रिड्यूसर, और अगर आपने 3/8 साइज़ की देनी हो तो 3/8 साइज़ का। तो उसके लिए भी हमें सेम यहाँ टेफलॉन टेप लगानी है, और इसके अंदर एक ओरिंग होता है जिससे पानी की लीकेज ना हो, उसको लगाकर हमने, तो ये हमारी पानी की मेन सप्लाई है, इस पे हमने सबसे पहले एंगल वाल्व लगाना है टेफलॉन टेप लगाकर। सबसे जो भी हमने यहाँ कोई फिटिंग फिट करनी हो वहाँ हमें धागा या टेफलॉन टेप जरूर लगानी चाहिए। ये अब हमारा एंगल वाल्व लग गया है यहाँ, और इस पे अब हम पानी की सप्लाई देने के लिए रिड्यूसर लगाएंगे, और उससे पहले यहाँ भी धागा लगाना है। लगाइए, और फिर हमने इसका रिड्यूसर यूज़ करना है। कीजिए, लगाइए, ये है हमारा 3/8 साइज़ का रिड्यूसर। अगर पानी की सप्लाई ज़्यादा चाहिए हो या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करनी हो तो इसके लिए भी हम 3/8 की सप्लाई यहाँ देंगे। तो ये अब हमारा सप्लाई पानी के लिए रेडी हो गई है, और जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे आगे पीछे करेंगे तो सप्लाई की जो इस पोजीशन में बंद हो जाएगी और दूसरी सेंटर पे लेकर आएंगे तो ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों ये लगाया था हमने 3/8 का, अब हम आपको दिखाएंगे 1/4 साइज़ का लगाकर। तो अब हम लगाते हैं 1/4 साइज़ की। इसके अंदर ओरिंग ज़रूर यूज़ करना है आपने ताकि लीकेज ना हो। और दीजिए आप पाइप, ये वही दोस्तों, इसको अच्छी तरह से टाइट करना है। और एक बात और, अगर इस पाइप को खोलना हो तो ये जो ओरिंग है इसको अंदर को पुश करना है, पाइप को बाहर, तो ये बाहर आ जाएगी। और इसका जो साइज़ है फिटिंग का वो है 3/4, कन्वर्ट करता है 1/2 इंच के, मतलब हाफ इंच की ये पाइप लगती है हमें जब हम एंगल वाल्व लगाते हैं या फिर दूसरी फिटिंग लगाते हैं। तो दोनों में दोस्तों डिफरेंस क्या है, एक तो इसका लीवर कभी भी ख़राब नहीं होता, और इसका लीवर कभी ना कभी ख़राब हो सकता है अगर सही तरीके से यूज़ ना किया जाए। दूसरा इजी टू इंस्टॉल है, और इसके आगे जो हमारी टूटी या कुछ स्टॉपर वगैरह लगाना पड़ता है तो इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरफ से पानी की सप्लाई आई, यहाँ हमने एंगल वाल्व पे रिड्यूसर लगा दिया जो आगे फर्दर आरओ के साथ कनेक्ट करते हैं, यहाँ से हम इसका कंट्रोल करते हैं। तो ये था सारा आरओ फिटिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे। शुक्रिया।